बीते दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर थी। इस दौरे के दौरान प्रियंका गांधी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। प्रियंका गांधी के इस हिमाचल दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुखर नजर आई। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मालूम पड़ा है कि प्रियंका गांधी जी शिमला आई है और इन दिनों बारिश और बरसात के कारण प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया, लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रियंका जी आप तो हिमाचल की रहने वाली हैं। जब बारिश थम गई, बरसात चले गई नुकसान करके, आपका हिमाचल आना बहुत देर से हुआ है। अच्छा होता है ये दौरा अगर आपने, जब हिमाचल प्रदेश में चारों तरफ तबाही हो रही थी, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों के बगीचे उजड़ गए बारिश और बरसात के कारण, उस वक्त आए होते तो अच्छा रहता। सेब के संबंध में मैं उसमें एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, जब झूठ बोल करके सत्ता हासिल की जा सकती है तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। झूठ बोलना इनके लिए एक आदत सी बन गई है, उसमें कतई भी परहेज करने की इनकी आदत नहीं है। और उस दृष्टि से जिस तरह से इन्होंने अपनी बात कही है, मैं इनको एक बात कहना चाहूंगा, आप कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री हैं और राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते चुनाव के दिनों में आपने हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह सभाएं की थी और उन सभाओं में कहा था कि बागबान अपने सेब की कीमत खुद तय करेंगे। सेब का सीजन निकलने को है, अब आधे से ज्यादा